नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सौमिक नंदी, आपका दोस्त, और आप है भ्रमणबाद चैनल में। आज आपको मैं जो वीडियो दिखाने वाले हूँ वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया 2014 में। तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आज का एडवेंचर शुरू करने से पहले डेंजर वाला रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना। तो आइए दोस्तों, आपको ले जाता हूँ उड़ीसा का भीतरकनिका में। भीतरकनिका हम चार दोस्त मिलके 11 सितंबर 2014 में गए थे। हम पूरी एक्सप्रेस से उड़ीसा का भद्रक स्टेशन में आया। भद्रक से बस पकड़ के चांदबाली आया। भद्रक से चांदबाली लगभग 2 घंटा लगा। चांदबाली में हम बनमाली गेस्ट हाउस में रुका था। नेक्स्ट दिन हम 7 बजे निकले और भीतरकनिका घूमने के लिए हमें एक बोट मिला, वो 2,800 रुपये लेगा। ये बोट हमें चांदबाली से भीतरकनिका जंगल घुमा के हमको चांदबाली पहुंचा देगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। आप लोग अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ, भीतरकनिका एशिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है। तो हम क्रोकोडाइल देखने के लिए बेताब था। चांदबाली से बैतरणी नदी होकर हम ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के संगम में आया। चारों तरफ पानी ही पानी। फिर हम खोला चेक पॉइंट होकर भीतरकनिका में प्रवेश किया। खोला में आपको आईडी कार्ड का फोटोकॉपी देना पड़ेगा और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और लंच का ऑर्डर देना पड़ेगा जो आपको टांगमॉल में मिलेगा। हम लोगों को एक जगह उतारा गया और हम जंगल का रास्ता पकड़ा। वो एडवेंचर हम कभी नहीं भूलेंगे। जंगल के अंदर पुराने जमाने का राजाओं का एक मंदिर मिला और एक वॉच टावर मिला। ये वॉच टावर लकड़ियों का है। फिर जंगल में चलते चलते हमें और एक वॉच टावर मिला। उधर हम लोग कुछ देर रेस्ट लिया। फिर डांगमल में हम लॉन्च किया और इधर एक छोटा सा म्यूजियम भी था। 24 फुट का एक क्रोकोडाइल का स्काल देखा। ये बहुत ही रोमांचक था। फिर उधर पे ही हिरन देखा। फिर डांगमल से एक द्वीप में आया। उधर सर्दी के मौसम में बहुत पंछी आती है। हमें उतना क्रोकोडाइल तो देखने को नहीं मिला जितना हम सोचे थे, फिर भी थोड़ा बहुत तो मिला। और ऐसे करके पूरा दिन ही निकल गया। बैतरणी में सूरज ढल रहा था और हमारा जर्नी भी खत्म हो रहा था। भीतरकनिका
तुझे आज भी याद करता हूँ। और इस यादों के साथ अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।